मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो तीन राज्यों के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की सूची एआईसीसी ने जारी की है, जिसकी कॉपी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिए हैं। जहां राजस्थान से सोनिया गांधी चुनाव लड़ने जा रही है राज्यसभा का, तो वही हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी 64 वर्षीय जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के उम्मीदवार हो रहे हैं कांग्रेस के। आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि कल राज्यसभा के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और लगभग 57 सीटें ऐसी हैं जो खाली हो रही है राज्यसभा की, जिसको लेकर चुनाव होना है। मौजूदा समय में जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी उम्मीदवार हैं और अब आज बहुत जल्द अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीधे रुख करते हैं राजेंद्र का। राजेंद्र, देखिए, इससे पहले अटकलें थी कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यतः सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब वो राजस्थान से चुनाव लड़ रही हैं और अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान से ही आते हैं मूलतः, वो हिमाचल प्रदेश में अब राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। आज ही क्या मान लिया जाए कि नामांकन दाखिल करेंगे, जो खबरें अटकलें हैं? बिल्कुल जैस्मिन, उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ही नामांकन दाखिल होगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह उनको रिसीव करने के लिए चले गए हैं और कल अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का, तो ऐसे में आज भी नामांकन दाखिल किया जा सकता है, अपना नामांकन सौंप सकते हैं अभिषेक मनु सिंह भी। और जो व्यवस्थाएँ हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर जो सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पूरी हो चुकी है। इंतज़ार हो रहा है भूपेश बघेल का और अभिषेक मनु सिंह भी का, जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद जो औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी और फिर शाम को डिनर, कांग्रेस के तमाम विधायक उसमें मौजूद रहेंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उसमें मौजूद रह सकती हैं, तो उनके साथ डिनर होगा हाईकमान के लीडर्स का, अभिषेक मनु सिंह भी उसमें मौजूद रहेंगे और फिर कल जो चुनाव को लेकर औपचारिकताएँ हैं वो पूरी होंगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ही नामांकन अभिषेक मनु सिंह भी भर सकते हैं। इससे पहले लगातार हिमाचल प्रदेश में अटकलें तेज थी कि क्या हिमाचल प्रदेश से किसी बड़े नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नाम जिस तरह से चला हुआ था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी भी एक्टिव रही हैं, घर उनका यहां पर रहा और विधानसभा चुनावों में हमने देखा है बहुत एक एग्रेसिव भूमिका प्रियंका गांधी की रही है, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से कोई हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जो राजनीति हम कह सकते हैं, अब हर कदम फूक फूक के राजनीतिक दल चलते हैं, हर कदम पर रणनीति होती है, हर कदम पर राजनीति होती है और वही देखने को मिला। अभिषेक मनु सिंह भी राजस्थान से संबंध रखते हैं, हिमाचल प्रदेश से भेजा जा रहा है और प्रियंका, सोनिया गांधी, उनको राजस्थान से भेजा जा रहा है, तो राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए जो जिस प्रकार से समीकरण बनाए जा रहे हैं उसी के तहत अभिषेक मनु सिंह भी को अब हिमाचल प्रदेश से भेजा जा रहा है। काफ़ी दिलचस्प भी होगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसे एग्जाम्पल आए हैं कि बड़े नेताओं को अब दूसरे राज्यों से भेजा जाता है, अब राष्ट्रीय राजनीति की ज़रूरत को देखते हुए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की अगर हम व्यक्तिगत कैपेबिलिटीज़ को देखें तो एक बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं और रणनीतिकार भी रहे हैं, कांग्रेस में पिछले कहें तो लगभग 5-7 वर्षों से एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भी उनकी हो गई है, जो स्थान जो कभी कपिल सिब्बल और जो बड़े नेता संभालते थे अब वो भूमिका अभिषेक मनु सिंह भी निभा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के लिए भी हम कह सकते हैं, हिमाचल की कांग्रेस के लिए ज़रूर ये बड़ा पल भी है कि अभिषेक मनु सिंह भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए जैस्मिन जा रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, इस बीच हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस खबर को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं, भाजपा की तरफ से कुछ?
बिल्कुल जैस्मिन, ये समझा जा रहा था शुरुआत से ही कि अब किसी बड़े नेता को कांग्रेस के दिल्ली भेजा जा सकता था। हिमाचल प्रदेश में अगर इस कद के नेताओं की हम बात करें तो आनंद शर्मा और विप्लव ठाकुर दो बड़े नेता थे जो राष्ट्रीय कद रखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में दखल जिनका है। तो इसके अलावा फिर जो बड़े नेताओं के नाम थे वो फिर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ही रह जाते हैं। और ऐसे में अब अभिषेक मनु सिंघवी को जो कांग्रेस की आलाकमान की तरफ से निर्णय हुआ है उस माध्यम से भेजा जा रहा है। ज़रूर भाजपा की तरफ से अब क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले ही औपचारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, अब देखना होगा किस प्रकार की प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से रहती है। हालांकि जो भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर लिस्ट जारी की गई है राज्यसभा के उम्मीदवारों की, उनमें हिमाचल प्रदेश का नाम शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि हिमाचल से बाहर के नेता को हिमाचल से राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी भेज रही है, तो अब भाजपा की क्या रणनीति होगी ये भी देखना होगा। और क्या कुछ भाजपा लीडर्स इसको लेकर कहते हैं, क्योंकि अभी भाजपा के जो नाराज विधायक चल रहे हैं राजेंद्र राणा वो विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं, कुछ क्षण पहले सुधीर शर्मा जरूर पहुंचे हैं वो भी नाराज हालांकि चल रहे हैं पार्टी से। तो अब भाजपा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि इस कदम के ऊपर क्या वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर क्योंकि बहुमत बहुत कम है भाजपा के पक्ष में, अगर कहें केवल 20 विधायक हैं तो ऐसे में आंकड़ा बहुत दूर है जिस प्रकार से समझा जा रहा है। तो उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि अगर संभावनाएं कुछ होती तो जरूर भाजपा की तरफ से, राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से कुछ औपचारिक ऐलान होता अगर हिमाचल प्रदेश से कैंडिडेट होता, लेकिन जरूर अब प्रतिक्रिया देखने को बनती है क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष कहेगी और भाजपा के विधायक इसके ऊपर कहेंगे। जैस्मिन ठीक है।